हेलो गाइस, वेलकम टू सीपी शर्मा क्लासेस। बहुत से बच्चों को डर लग रहा है, एंजाइटी हो रही है कि सर नीट में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, इस बार क्या करें सर, अब तो कुछ भी याद नहीं है, पढ़ा भी नहीं है, क्या अभी से स्टार्ट करें तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो मेरी बात सुनो भाई, देखो टाइम बहुत कम बचा है आपके पास, पर सिलेबस भी तो कम हुआ है, तो सिलेक्शन हो सकता है आपका अगर आप रेगुलर डेली बेसिस पे स्टडी करते हैं। मेरी बात सुनो, आप अगर डेली बेसिस पे 40 आवर पर डे, मान लो आप 30 to 40 आवर पर डे आप रेगुलर स्टडी करते हैं, 30 to 40 आवर पर डे रेगुलर, ये बात ध्यान रखना, रेगुलर रोज अगर आपने ऐसा 3 महीने तक कर लिया ना, तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। देखो क्यों बता रहा हूं, मैंने सारी एनालिसिस करके बहुत सी चीजें यूट्यूब चैनल पे इसी पे डाल रखी है, वो चीजें कि सिलेक्शन कैसे हो सकता है, 100 दिन की स्ट्रेटेजी क्या है, वो सारी बातें, ठीक है। अब यहां पे अपन बात करते हैं कि कैसे होगा सिलेक्शन रेगुलर अगर 13 से 14 घंटे पढ़ते हो। 100 दिन की जो स्ट्रेटेजी है उसको भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं, देखो नए सिलेबस के अनुसार, नई एनसीईआरटी पढ़नी है, नया सिलेबस पढ़ना है, पुरानी को नहीं रगड़ना है भाई अब, ठीक है। नई सिलेबस है उसमें लगभग 80 चैप्टर्स है आपकी, ठीक है, 80 चैप्टर्स है और बचे हुआ टाइम है आपके पास 120 डेज, ठीक है। तो मैंने 100 डेज वाली जो स्ट्रेटेजी थी उसमें आपको बताया था क्या, जो ये 120 दिन है इनको अपन ने 100 डेज और 20 डेज में तोड़ा था, और 100 में से भी अपन ने बांट लिया था 80 डेज में और 20 डे में, 20 दिन में, ठीक है। अब इस जो 80 दिन था ना, इसमें अपन ने सिलेबस किया था, सिलेबस कंप्लीट पूरा, और जो ये टाइम बचा हुआ था इसमें रिवीजन प्लस टेस्ट, और ये जो बचे हुए 20 दिन थे इनमें अपन ने टेस्ट दिया था, ठीक है, इनमें क्या दिया था, टेस्ट। ये प्लानिंग चली थी अपन की 80 दिन, 20 दिन और 20 दिन वाला। ये जो 20 दिन बचेंगे ना, इनमें टेस्ट और टेस्ट का एनालिसिस, लास्ट में जो फॉर्मूला सीट बची है आपके पास, फॉर्मूला सीट वगैरह उन चीजों का रिवीजन करना है ये बचे हुए 40 दिन में। इनमें जो 100 दिन थे आपके पास उसमें से भी बांट लिया था 80 दिन वाला, जो 80 दिन का टाइम पीरियड रहेगा आपका उसमें सिलेबस कंप्लीशन होगा। और 80 दिन अगर लगातार आप 13 से 14 घंटे पढ़ लेते हैं दिन में, तो सिलेक्शन कंफर्म है भाई। अब ऐसा नहीं है कि 13 घंटे एक चैप्टर को लेके बैठ गए, यार 13 घंटे में कोई एक चैप्टर होगा क्या, 13 घंटे में तू चाहे तो आराम से 2 चैप्टर कर सकता है, कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कर सकता है ना भाई। तो सोच, ऐसे बुक लेके बैठना नहीं है, अब इफेक्टिव पढ़ना है अपने को, एनसीईआरटी बेस्ड ही रहना है, ज्यादा बाहर की चीजें नहीं पढ़ना है इस टाइम, बाहर की चीजों वो भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, वहां के मॉड्यूल ले लूँ, ये मॉड्यूल, भाई ये टाइम नहीं है मॉड्यूल सोल्व करने का तेरा। तू एनसीईआरटी की बुक को मल्टीपल रीडिंग कर दे बायो में, और जो फिजिक्स केमिस्ट्री है वहां के वन शॉट वीडियोस से जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो नीट एग्जाम लेवल के क्वेश्चन है उनकी प्रैक्टिस कर, सिलेक्शन आराम से होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है भाई। टाइम बचा हुआ जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल तेरे पास, कंफर्म है ना, ये जो टाइम है ना जनवरी फरवरी और मार्च का, इनमें तो सिलेबस कर ले कंप्लीट 3 महीने में, 80 दिन में। कैसे होगा सिलेबस कंप्लीट 80 दिन में, 80 चैप्टर है टोटल तीनों सब्जेक्ट में तेरे पास, चारों सब्जेक्ट जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री और फिजिक्स में। अब चारों सब्जेक्ट में तेरे पास 80 चैप्टर है और 80 दिन में हो सकते हैं भाई, एक चैप्टर तू एक दिन में ही करेगा क्या, कोई 2 छोटे चैप्टर उठा के एक दिन में 2 चैप्टर भी कर सकता है ना, बड़ा चैप्टर है वो एक दिन में कर लिया माना, 2 छोटे चैप्टर को तू या बायो के 2 छोटे चैप्टर उठाए और कर लिए एक दिन में, तो ये 80 दिन से भी कम में तेरा सिलेबस हो जाएगा। इसमें क्या है, बीच में रिवीजन भी करते रहना, वो सारी प्लानिंग स्ट्रेटेजी मैंने 100 डेज की जो स्ट्रेटेजी है जस्ट कल जो वीडियो डाला है, ठीक है, 1-2 दिन पहले, तो वहां पे आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। पढ़ना चालू कर दे भाई,
13 से 14 घंटे रेगुलर पढ़ना तो कन्फर्म है 630 प्लस आ जाएंगे तेरे। ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।